मुंबई लोकल से रोजाना लाखों यात्री प्रवास करते हैं और इनमें से कई तो बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं। ऐसे में अब रेलवे बोर्ड बिना टिकट लोकल से यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक मध्य रेल ने पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून 2022 के दौरान 103.39 करोड़ का रिकॉर्ड टिकट चेकिंग किया। लोकल ट्रेनों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से ज्यादातर ट्रेन के अंदर नहीं पर स्टेशनों पर जरूर खड़े रहते हैं और फिर पे टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूलते हैं। रेलवे ने 90 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ टिकट के जुर्माने किससे की है। सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मध्य रेल टिकट रहित और अनियमित यात्रा को रोकने के लिए अपने सभी मंडलों में उपनगरीय मेल एक्सप्रेस यात्री सेवाओं और विशेष ट्रेनों में गहन टिकट जांच करता है। बिना टिकट यात्रा और इस तरह की अन्य अनियमितताओं से होने वाले राजस्व नुकसान पर वरिष्ठ अधिकारी कड़ी नजर रखते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में रेलवे ने 1 जुलाई से चालू टिकट की सुविधा भी शुरू कर दी और इसके बावजूद कई लोग नियमों का उल्लंघन कर बिना टिकट के यात्रा करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बे टिकट यात्रियों की वजह से रेलवे को हमेशा नुकसान होता है पर यहाँ रेलवे को 100 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट में खबरों का सहनशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।